हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, बिकॉज दोस्तों इस वीडियो में आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू ऑल द सब्जेक्ट डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। दोस्तों ये बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कोर सब्जेक्ट है ऑफ कंप्यूटर साइंस, या फिर कह लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग जर्नी। इसके बारे में तो बात करना बनता ही है। बड़े अच्छी तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे विद एग्जाम्पल्स आगे आने वाले वीडियोज में। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट। इसका एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में मैं डालने की कोशिश करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू विद सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स हर जगह है, हर इंसान के साथ है, बराबर। सो व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, तो भाई हम लोग जो एक्टिव लोग होते हैं, वी ट्राई टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम, ओके। और अगर मैं कंप्यूटर की भाषा में कहूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भाषा में कहूँ, तो भैया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, करेक्ट और नॉट। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया होता है एग्जाम में, उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और चीज़ होती है जिसकी तरफ ज़्यादातर हमारा ध्यान जाता नहीं है। बिफोर प्रोग्राम समथिंग कम्स, दैट इज़ नथिंग बट अ ब्लू प्रिंट ऑफ प्रोग्राम। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं, काइंड ऑफ अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ प्रोग्राम, ओके। तो भैया इसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग एल्गोरिथम पहले डिज़ाइन करते हैं, बराबर, और वो एल्गोरिथम के बेसिस पे फिर हम लोग उसे क्या करते हैं, प्रोग्राम में लिखते हैं। सो इससे एक चीज़ आपने नोटिस करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट आपका जो एल्गोरिथम होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब एक बार अगर आपने एल्गोरिथम लिख दिया तो उसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका प्रोग्राम आप लिख सकते हो, अगर आपने एक बार एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया तो। एंड एल्गोरिथम इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन टू द गिवन प्रॉब्लम, बराबर। तो जब आपके पास सबसे पहले प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो इन द फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम, और फिर उस एल्गोरिथम से आप पर्टिकुलरली अपना जो प्रोग्राम है वो लिखते हो, राइट करते हो, बराबर। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई। लेकिन भाई एक दिक्कत है, एक तकलीफ है कि प्रॉब्लम एक है तो ज़रूरी नहीं कि उसका सॉल्यूशन भी एक होगा, बराबर। अगर प्रॉब्लम एक है तो उसके सॉल्यूशंस कई सारे हो सकते हैं। इफ देयर इज वन प्रॉब्लम तो भाई उसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी सॉल्यूशंस। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल अगर दूं मैं, तो एक स्टूडेंट की लाइफ में कह लो, एक इंजीनियर की लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एग्जाम्स, बहुत बड़ा, और उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई उस एग्जाम में अपने को पास करना है, बराबर है या नहीं। तो फिर उसके लिए हम लोग कई सारे सॉल्यूशंस निकालते हैं, बड़े मज़ेदार सॉल्यूशंस निकालते हैं। क्या क्या सॉल्यूशंस निकालते हैं हम लोग, रिडक्शन लेके जाते हैं, चिट्ठियाँ लेके जाते हैं, बराबर। जिस टेबल पे बैठने वाले उस टेबल पे पहले से कुछ फॉर्मूलेस, कुछ आंसर्स लिख के रखते हैं, और क्या होता है, आगे वाले से पूछ लेंगे, पीछे वाले से पूछ लेंगे, साइड वाले से पूछ लेंगे कि भाई इसका आंसर बता दे। और कंप्यूटर इंजीनियर्स के पास तो एक ब्रह्मास्त्र होता था, दैट इज वी कॉल इट एज अ पेन ड्राइव, बराबर। सो एक्चुअली आई एम नॉट प्रमोटिंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस हम लोगों के दिमाग में आते हैं एज बीइंग अ स्टूडेंट, एज बीइंग अ इंजीनियर, कि भाई एग्जाम तो पास करनी है तो ये सारे सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं, बराबर। तो फिर उसी तरीके से हम लोगों को अभी जब ये प्रॉब्लम के इतने सारे सॉल्यूशंस हमारे सामने होते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन चुना जाए। अभी इसमें सॉल्यूशंस को एज अ एल्गोरिथम दिखाता हूं यहां पे, बराबर। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग मेनी ऑफ सच एल्गोरिथम्स, बराबर। लेकिन फिर इसमें से सबसे बेस्ट कौन है, ये कैसे तय किया जाए? तो उसके लिए यहाँ पे दो पैरामीटर्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, पहला है टाइम और दूसरा है स्पेस, दूसरा है स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर। तो अभी हमारा जो क्राइटेरिया होगा, यानी कि अभी हम एनालाइज करेंगे इन सब एल्गोरिथम्स को, क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एनालाइज दीज एल्गोरिथम बेस्ड ऑन कि भैया व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ ऑल दीज एल्गोरिथम्स टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। This is what we are doing in analysis of algorithm. I hope you are understanding this thing. बराबर। तो भाई हम लोग देखते हैं कि भैया इसमें से कौन सा ऐसा algorithm है जो बहुत fast execute करता है, मतलब उसे कम से कम time लगता है for execution, बराबर। फिर देखते हैं हम लोग space, ये भी एक बहुत important parameter है कि ऐसा कौन सा algorithm है कि जो कम से कम space occupy कर रहा है और execute भी कर रहा है। तो दोस्तों इसमें से अगर हम लोग बात करें, एक आइडल एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, तो वो ऐसा एल्गोरिथम होता है जो कि बहुत फास्ट एग्जीक्यूट भी करता है, मतलब कम से कम समय लेता है और कम से कम स्पेस भी लेता है। और अगर ऐसा कोई एल्गोरिथम आपको मिल जाए तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो एज अ सॉल्यूशन टू दिस रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर, बराबर। सो यू कैन आइडल
अल्गोरिदम आर लाइक दिस, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है एक आइडल अल्गोरिदम का कि भैया वो टाइम भी कम लेगा और स्पेस भी कम लेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे अभी हम आगे अल्गोरिदम्स देखने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द अल्गोरिदम्स में कहीं ना कहीं हमें एक हाथ पैरामीटर के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई अल्गोरिदम है बराबर जिसमें हम चाहते हैं कि भैया कम से कम समय लगे, मतलब वो फास्ट एग्जीक्यूट हो, उसमें हमें थोड़ा स्पेस ज़्यादा देना पड़ेगा उस प्रोग्राम को, स्पेस रिसोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर मैं उल्टी बात करूं कि भैया हमें स्पेस रिसोर्सेज जो है वो कम से कम हमारे अल्गोरिदम को देने हैं, तो वहाँ पे आपको फिर थोड़ा टाइम उस अल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूँ इस सिनारियो को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है बराबर, और आप चाहते हो कि उस बिल्डिंग को आप कम से कम समय में कंस्ट्रक्ट कर दो, तो उसके लिए क्या लगेगा आपको, ज़्यादा वर्कर्स लगेंगे। सो द मोर नंबर ऑफ वर्कर्स दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ स्पेस रिसोर्सेज आपको लग रहे हैं बराबर, तो जितने ज़्यादा वर्कर है उतने ज़्यादा स्पेस रिसोर्सेज आपको लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस आई एम टॉकिंग बराबर। तो आपको क्या करना है, कम से कम समय में बिल्डिंग तैयार करनी, कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके लिए आपको क्या लगेंगे, ज्यादा वर्कर लगेंगे, ज्यादा स्पेस लगेगा, बात बराबर है। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि नहीं यार मुझे वर्कर्स कम चाहिए, यानी कि मुझे स्पेस कम चाहिए, आई वॉन्ट टू गिव लेस स्पेस फॉर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, तो उसी तरीके से अगर मुझे कम वर्कर्स चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज कम वर्कर्स से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो फास्टली पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म कर देंगे। तो इसीलिए अगर आपने कम वर्कर्स कंसिडर किए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो आपको उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इन पैरामीटर्स के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, आइडल अल्गोरिदम्स कौन से होते हैं, जहाँ पे आपका टाइम भी कम लग रहा है और स्पेस भी कम लग रहा है, बराबर है कि नहीं। एंड व्हेन यू फाइंड सच अल्गोरिदम यू सिलेक्ट इट फॉर एज अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया अबाउट डिजाइन एंड एनालिसिस रिगार्डिंग द अल्गोरिदम्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।